दो बच्चों को जोड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम शुभम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन MMPG कॉलेज फतेहाबाद। इस वेबिनार में जुड़ने पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस वर्ष हमारे कॉलेज ने 50 वर्ष पूरे किए हैं। इसके लिए मैनेजमेंट कमेटी, प्रिंसिपल सर, मेरे क्लीग्स एंड स्टूडेंट बधाई के पात्र हैं। हमारा कॉलेज पिछले एक वीक से नेशनल यूथ वीक सेलिब्रेट कर रहा है, जिसके अंडर हमने पोस्टर मेकिंग, एसे राइटिंग, क्विज कॉम्पिटिशन करवाए। इसके साथ साथ हमने ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया। नेशनल यूथ वीक के समापन कार्यक्रम में आज हमने इस वेबिनार का आयोजन किया है, जिसका मुख्य विषय है रोल ऑफ यूथ इन नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे कीनोट स्पीकर रहेंगे डॉक्टर दीप्ति धर्मानी मैम, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब मैं प्रिंसिपल सर डॉक्टर गुरचरण दास जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और मैम का फॉर्मल वेलकम करें। सर प्लीज। शुभम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वेलडिक्की सेशन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति धर्मानी मैडम, इंग्लिश विभाग, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा, इस फंक्शन के आयोजक मनोर मेमोरियल कॉलेज के शिक्षक गण, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सभी को मनोर मेमोरियल कॉलेज के 50 वर्ष पूरे करने की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और मैं दीप्ति धर्मानी का आभारी भी हूं, धन्यवादी भी हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे विद्यार्थियों को हमें जागरूक करने के लिए निकाला। जहां तक प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी मैडम का सवाल है, प्रोफेसर साहब सदैव महाविद्यालय की उन्नति तरक्की के लिए प्रयासरत रहते हैं और ये कहना उचित होगा कि मैडम एक हमारे मैनेजमेंट के सदस्य के रूप में भी काम करते रहते हैं। मैं प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी मैडम का मैनेजमेंट के सभी सदस्यों की तरफ से विशेष रूप से आदरणीय प्रेसिडेंट श्री राजीव जी बता और मनोर मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी एडवोकेट विनोद मेहता जी की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि एक इच्छा जाहिर की प्रेसिडेंट साहब ने कुछ दिन पीछे कि मैडम दीप्ति धर्मानी का एक लेक्चर बच्चों के मार्गदर्शन के लिए करवाया जाए। बाई चांस टेलीफोन पे भी मैडम की बात प्रेसिडेंट साहब से और सेक्रेटरी साहब से हुई और मैडम ने उसी टाइम हमें हाँ कर दी कि मैं जरूर समय निकालकर आपके बच्चों के लिए आऊंगी। वो आज का दिन है और मैडम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम पिछले एक हफ्ते से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को महाविद्यालय सेलिब्रेट कर रहा है। विभिन्न तरह की गतिविधियां बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पिछले एक सप्ताह में मनोर मेमोरियल कॉलेज के सभी शिक्षक जनों ने मिलकर आयोजित की, जिसमें पोस्टर कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, ब्लड डोनेशन कैंप और ये थर्ड हमारा एक्सटेंशन लेक्चर भी है। पहला एक्सटेंशन लेक्चर हमने UGC से मैडम बहुगुना से ऑर्गेनाइज कराया, एक एक्सटेंशन लेक्चर लॉ डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइज किया गया और आज वेलडिक्ट्री में आपकी सेवाएं हम ले रहे हैं। निश्चित रूप से प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए गर्व की बात है कि ऐसे महानुभाव सदैव आपको मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। हमें इनके वचनों को सुनना चाहिए, इनके दिशा निर्देशों की पालना करनी चाहिए, तभी सही मायने में हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बनाएंगे। अगर आप जागरूक होंगे, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे और कुछ उनके जीवन परिचय को अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे,
तभी आप नोर मेमोरियल कॉलेज की शान बनेंगे, महाविद्यालय की शान बनेंगे, समाज की शान बनेंगे और देश की शान बनेंगे। और मेरा यही सपना मनोर मेमोरियल कॉलेज का प्रत्येक विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद जी की जीवन दिशा से प्रभावित हो और उनके अनुरूप काम करना शुरू करे। यही एक आचार्य के रूप में, शिक्षक के रूप में मेरी परमपिता परमात्मा से अभिलाषा भी है, कामना भी है कि वो सदैव इसी तरह से हमें ऐसे ऐसे महानुभावों के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर प्रदान करते रहें और मनोर मेमोरियल कॉलेज जिस सपने को साकार करने के लिए 50 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों ने, बत्रा परिवार ने इसकी स्थापना की थी, हम उन सपनों को साकार करते रहें। इसी के साथ एक बार फिर मैं प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी मैडम का, विशेष रूप से हमारी आईटी टीम के डॉक्टर विकेश सेठी का, आज के आयोजक में से प्रोफेसर शुभम का और प्रोफेसर किंजा का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इतनी निष्ठा लगन से इस आयोजन को किया कि ये हमारे लिए एक यादगार आयोजन होगा। अब मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर महेश मेहता जी, जो पिछले एक हफ्ते से हमारे साथ निष्ठा से, लगन से, मेहनत से लगे हुए हैं, से मैं अनुरोध करूंगा कि वो प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति धर्मानी जी मैडम के बारे में कुछ विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ अनुभव साझा करें। वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर महेश मेहता जी। थैंक यू सर। इट्स माय प्राउड प्रिविलेज टू एक्सटेंड ए हार्टी वेलकम टू आवर गेस्ट स्पीकर ऑफ दिस क्लोजिंग डे, क्लोजिंग सेरेमनी, प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी, डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन शेयर, आई कैन टेल आर स्टूडेंट्स अ फ्यू थिंग्स अबाउट आर गेस्ट स्पीकर ऑफ टूडेज वेलिडिक्ट्री फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द पोस्ट assignments held by our guest speaker in the past. Ma'am has been a member, executive council, academic council, court, and she has been dean academic affairs, dean of humanities, chairperson department of English, dean of engineering and technology, dean of education, dean of social sciences, and she has been on the admission committee and chairperson, member of UG Board of Studies, a postgraduate board of studies, DRC, and faculty committee of humanities of various departments. And she has been director youth welfare, and she held this post for almost 8 years, from 2008 to 2016, and she has been NSS coordinator of the university. She has been convener, member, central purchase committee for 2 years, course coordinator, university center for distance learning, member youth welfare committee, sports council, youth Red Cross, secretary women complaints committee, etc. And she has also been chairperson, department of journalism and mass communication, Department of Hindi, Department of Sanskrit, Department of Punjabi, Department of Public Administration, Department of Music, Department of History, Department of Geography, Department of Energy and Environmental Science. We can see that I don't think if any other person from university was given such huge tasks, stupendous tasks, and such assignments. So that means the university authorities, they had full faith in our chief guest of the day. And she has been VC nominee in governing bodies of affiliated colleges. And she has been on selection committees for appointment in colleges affiliated to CDLU Sirsa, Chaudhary Ranveer Singh University Jind, and Chaudhary Bansilal University Bhiwani. And she has also been on inspection committees of CDLU Sirsa and CRU SU Jind. Aur iske ilawa bhi ma'am bahut sari jo other universities ki bodies mein bhi member hai. Right now she is member court
Chaudhary Ranveer Singh University, Jind, Executive Council of J.C. Bose University of Science and Technology, Faridabad, and a member court. She remained a member court also, and AC at KUK for 2 years. And then she also was member academic executive council, Deen Bandhu Chotoram University of Science and Technology, and AC Academic Council, Central University, Himachal Pradesh, UG Board of Studies, English, KUK, GJU Hisar, and on UMC Committee, KUK for 1 year, DRC, Department of English, Bhagat Phul Singh, Mahila Vishwavidyalaya, Kanpur Kala. And she has 4 books and more than 30 papers to her credit. And she has also attended about 60 conferences, seminars, as a resource person or lectures delivered. She has also delivered lectures in the refresher orientation courses. And she has guided many students for their PhD. And she's one of the most sought after persons who is invited, and people from other departments also, they love inviting, and they love having our Professor Deepti Dirmani for guiding the masses in general and youth in particular. Or she has got wonderful oratorical skills. And let's hope when you listen to her, you really feel motivated. Now, I should not come between you and ma'am. Now, I request ma'am to share her views, share her ideas about this, because as you know, our college is celebrating National Youth Week from January 12th onwards. Thank you very much. And now it's over to respected Deepti ma'am. Namaskar, Mr. Mehta. I'm grateful to you for giving a very elucidated introduction of mine, which means nothing if I do not touch the hearts of my students. So, umeed karti hu ki itni badi jo mere bare mein charcha Mehta ji ne ki, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी होगी कि आज के व्याख्यान में मैं आपका दिल छूती हूं या नहीं. सबसे पहले गोल्डन जुबली आप मना रहे हैं इस एमएम कॉलेज की, उसके लिए जो मैनेजिंग कमेटी के सभी मेंबर्स, राजीव बत्रा जी, विनोद जी और उनकी पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई. उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में फतेहाबाद में एक अतुल्य काम किया है. एमएम कॉलेज को हरियाणा के अग्रज कॉलेजेस में उन्होंने लाकर उसको खड़ा किया है, इसके लिए वो विशेष बधाई के पात्र हैं. आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास एक बहुत ही काबिले तारीफ नेतृत्व करने की क्षमता वाला प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल के इनिशिएटिव्स पर आप अलग अलग कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं, और इस 50th गोल्डन जुबली को भी आप अपने मना रहे हैं. मैं फिर से सभी निष्ठावान शिक्षकगण और एमएम कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं, आपको अपनी बधाई देती हूं. उम्मीद करती हूं कि जो शिक्षा से हम उम्मीद करते हैं, वो सभी आप ब्रांड एम्बेसडर बनकर, एमएम कॉलेज के ब्रांड एम्बेसडर बनकर आप पूरी दुनिया में छा जाएंगे. मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं आज के दिन में ये बात सोचते हुए कि मैंने शिक्षण को अपना रास्ता अपनाया. डॉक्टर बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन डॉक्टर बीमारों के बीच में रहता है, लेकिन शिक्षक एक ऐसा व्यक्तित्व होता है कि जब वो अपने कार्य स्थल पर जाता है तो उसके आसपास युवा ही युवा दिखते हैं, चहकते महकते मुस्कुराते अटखेलियां करते शरारते करते. और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के साथ में कोई भी शिक्षक कभी बूढ़ा होता है, इसलिए मेरे शिष्य जितने जवान हैं, मैं भी अपने आप को उतना ही जवान समझती हूँ, उतनी ही युवा समझती हूँ. और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि
मेरे शिष्य जो हैं वो युवा हैं। आज आप भारत के युवा दिवस का समापन समारोह भी कर रहे हैं। 12 तारीख से लेकर अब तक आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए और उनके सफल आयोजन के लिए आप बधाई के पात्र हैं। मुझे जो विषय दिया गया चर्चा के पश्चात वह था युवाओं का भारत के निर्माण में योगदान। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम इसके बारे में चर्चा क्यों करें। विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर ही रह जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम बलवान हो, शक्तिशाली हो, तो तुम शक्तिशाली बनोगे। यानी हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, सो अ थॉट रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर रीप अ डेस्टिनी। आपके विचार आपके भाग्य बनाते हैं, आप अपने खुद के भाग्य विधाता है। अगर हम ये मान लें, विवेकानंद जी की इस बात से हम एक प्रेरणा लेते हुए ये माने कि हम भाग्य विधाता हैं, केवल अपने भाग्य के नहीं, हम अपने संपूर्ण राष्ट्र और समाज के भाग्य विधाता हैं, तो हम जिम्मेवार बन जाते हैं अपने देश को कमजोर बनाने के लिए या हम अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए। आप जैसा बनना चाहते हैं ऐसा संभव नहीं कि आप शक्तिशाली बने और आपका देश कमजोर हो, आपका देश शक्तिशाली हो या आप कमजोर हो, ये दोनों ही इक्वेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। विवेकानंद जी के जन्मदिन से हम राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाना शुरू करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि विवेकानंद एक ऐसे युवा थे जिन्होंने संपूर्ण संसार पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि इसलिए क्योंकि विवेकानंद को युवाओं से बहुत अपेक्षाएं थी। और ये शक्ति जो है वो कहीं बाह्य बाहर से दी गई शक्ति नहीं। विवेकानंद जी के अनुसार युवाओं को अपना निर्माण करना चाहिए। अगर वह स्वयं का निर्माण नहीं करते हैं तो वो देश का निर्माण नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कैसा युवा चाहिए, मुझे ऐसा युवा चाहिए जिसकी फौलाद की मांसपेशियां हो, जिसकी लोहे की इस्पात की जिसकी नर्व्स हो और जिसके दिमाग जो है वो बहुत ही तीखा हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो तो तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी मेरी बात पर विश्वास करने की कि तुम भाग्य विधाता हो। और तुम भाग्य विधाता तभी बन सकते हो जब तुम्हारी हिम्मत फौलाद की होगी, जब तुम्हारा शरीर फौलाद का होगा। इसलिए आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और आप अपनी आत्मा का ध्यान रखिए और आप अपने मस्तिष्क का ध्यान रखिए, आपका मानसिक विकास, आपका बौद्धिक विकास, आपका शारीरिक विकास, अंततः आपका आध्यात्मिक विकास हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाएगा। वास्तविकता में युवा है कौन? युवा केवल एक शब्द नहीं है। युवा शब्द कहते ही हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क पे एक इमेज दौड़ उठती है और वो कैसी है? केवल 20 साल का, 15 साल का जवान बच्चा नहीं। युवा केवल आयु से नहीं होते, जबकि यूएन जो है वो आयु से युवा को डिस्क्राइब करता है। हमने देखा पिछले दिनों में कि एक 100 साल की महिला जो है वो भी गेम्स में और स्पोर्ट्स में अपना नाम छोड़कर आई। 90 साल की उम्र में उन्होंने भागना शुरू कर दिया। ऐसे कई आपको उदाहरण मिलेंगे। वो युवा है यद्यपि उम्र में उनकी वो वृद्धावस्था में हो सकती है। तो आप युवा तब होते हैं जब आपकी मन युवा होता है, जब आपके विचार युवा होते हैं, जब आपके विचार
बढ़ने फूलने की शक्ति रखते हो तब आप युवा होते हैं। तो युवा होना केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं है, युवा होना एक सामाजिक संरचना है जिसमें बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सभी चीजों का मिश्रण होता है। तो आप सब युवा है इस बात के लिए नहीं है कि आपकी उम्र जो है वो 10 से 24 या 25 वर्ष के बीच में है। आप युवा इसलिए गिने जाएंगे अगर आप में जज्बा है अपने आप को अपने भाग्य विधाता बनने का और अपने राष्ट्र के भाग्य विधाता बनने का, तब आप युवा की पीढ़ी में खड़े होते हैं। देश क्या चीज है, राष्ट्र क्या चीज है, हमारे लिए अगर हम कहें कि राष्ट्र क्या है तो हम ये कहते हैं कि राष्ट्र है एक भौगोलिक टुकड़ा, उसके ऊपर रहने वाले लोग और एक उसकी सरकार जो उनको नियंत्रित करती है। लेकिन राष्ट्र की परिभाषा केवल इतनी ही नहीं है, दो शब्द हैं अंग्रेजी के, नेशन है, एक स्टेट है, और हमारे लिए एक शब्द है राष्ट्र। बच्चों, हमारी भाषा और विदेशी भाषा में अंतर है, उनके संस्कारों में अंतर है, उनके भावों में अंतर है। जब हम राष्ट्र शब्द कहते हैं तो हमारी छाती फूलकर चौड़ी होती है, हमारा मन गदगद हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसा ही अनुभूति होती है जैसे हम अपनी माँ को देखकर हम अपनी अनुभूति लेते हैं। तो राष्ट्र हमें भावनात्मक रूप से जोड़ता है। हम राष्ट्र के हिस्से तभी हैं जब तक हम इस देश से रहने वाले, देश में रहने वाले सभी लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। अगर हम आज ये कहते हैं कि हम राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, एक शक्तिशाली राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, हम राष्ट्र को समृद्ध और सुदृढ़ देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमें पाकिस्तान की मदद चाहिए, उसके लिए हमें चाइना की मदद चाहिए, तो माफ करना युवाओं, युवा शक्ति आज की इस बात को समझ ले कि हमारे प्रतिद्वंदियों से हम मदद लेकर अपनी शक्ति का कभी आह्वान नहीं कर सकते। हमें अगर अपनी शक्ति का आह्वान करना है तो हमें केवल अपने अंदर झांकना होगा। हमारे देश राष्ट्र की भूमि पर, इस मातृभूमि में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा प्रिय से प्रिय जन हो, तभी हम इस राष्ट्र की, शक्तिशाली राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। विवेकानंद जी ने कहा, एक बार उनसे किसी ने पूछा कि हिंदू कौन है, तो उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धार्मिक संप्रदाय भी नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है। वो कैसी विचारधारा है? हर वह व्यक्ति हिंदू है जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी मजहब का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी वेशभूषा धारण करने वाला हो, प्रथम मिलन में अपना प्रिय से प्रिय बना ले। यानी हर व्यक्ति में परमात्मा का वास देखने वाला, परमात्मा का प्रतिबिंब देखने वाला ही केवल हिंदू है। और वो हिंदू केवल कोई संप्रदाय नहीं है, केवल एक आउटलुक है, एक एटीट्यूड है, एक लाइफस्टाइल है, जिसमें हम पत्थर में भी भगवान को देखते हैं, जिसमें हम कीड़े में भी प्राण देखते हैं, हम पेड़ पौधों में भी प्राण का वास देखते हैं, ऐसी विचारधारा हिंदू विचारधारा है। किसी मंदिर में जाना किसी व्यक्ति को हिंदू नहीं बनाती है। तो जब हम राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो हम अपने देश को अपनी मातृभूमि की तरह पूजते हैं, माता की तरह पूजते हैं, वो हमारी मातृभूमि है, हम उसको नतमस्तक होते हैं, हम उसकी रज को अपने माथे पर लगाकर अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। तो नेशन एक इमोशनल डायमेंशन लेकर आता है, जबकि स्टेट की एक परिकल्पना केवल लीगल और पॉलिटिकल रूप में होती है। कोई भी देश शक्तिशाली कब बनता है? जब वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो, केवल यही नहीं, आर्थिक रूप से शक्तिशाली होने के साथ साथ वो अगर नैतिक रूप से शक्तिशाली नहीं है तो वो देश ज्यादा देर तक इकोनॉमिक पावर नहीं रह सकता। सबसे सब शक्ति की जो रूट है वो हमारा मॉरल एटीट्यूड है, हमारी मॉरल कैरेक्टर है। हमारी पावर की कल्पना अगर हम विदेशी रूप से देखें
तो पावर कहते हैं कि पावर क्या चीज है। पावर वो पॉलिटिकल और सोशल अथॉरिटी है जो दूसरे लोगों को कंट्रोल करती है। ऐसी पावर गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ऐसी पावर पुलिस के हाथ में है, ऐसी पावर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। यानी पावर का जब हम शक्ति का जब हम प्रयोग करें, शक्ति का जब हम नाम लेते हैं, तो उससे हम कुछ लोगों को जोड़ देते हैं जो एक ऐसी अवस्था में बैठे हैं, ऐसी पोजीशन पर बैठे हैं जो दूसरों के ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो। लेकिन शक्ति की परिभाषा केवल इतनी ही नहीं है। शक्ति का मतलब है हमारी काबिलियत किसी काम को करने की एक खास तरीके से, यानी हम जो चाहे हम कर सके, ये एक शक्ति का स्वरूप होता है। यानी शक्ति हमारी कैपेसिटी है, हमारी एबिलिटी है किसी काम को किसी एक विशेष रूप से करने में, या हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके किसी काम को करने में। ये शक्ति बाह्य नहीं है। बहुत बार आपने सुना होगा कि औरतों को 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं, बहुत सी चर्चा 33% रिजर्वेशन की बात होती है। वैसे तो ये अपने आप में विडंबना है कि किसी भी जनसंख्या की 50% औरतों को 33% पावर की बात की जाती है और उस पर भी विवाद होते हैं। ये अपने आप में विडंबना है, लेकिन मैं फिर भी ये बात नहीं मानती। हिंदू संस्कृति के अंदर शक्ति की परिकल्पना कोई बाह्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो बंदर बैठे हैं और एक तराजू रोटी है, उसको कभी कोई एक ले लेगा कोई एक ले लेगा। ऐसी परिकल्पना हम शक्ति की नहीं करते कि किसी के हाथ से लेकर किसी के हाथ में देना ये शक्ति है। शक्ति हमारे अंदर ही निहित होती है, ये हमारे अंदर है, वो पावर है जिससे हम अपने भाग्य विधाता खुद बनते हैं। क्या कोई व्यक्ति जो बहुत समय तक दलित रहा हो, या बहुत समय तक सताया गया हो, या बहुत समय तक प्रताड़ित किया गया हो, क्या वह अपनी शक्ति ढूंढ सकता है? क्या आप अपने आप को निर्बल मानने वाले अपनी शक्ति को कैसे ढूंढेंगे? इस बात को हमें आगे देखना होगा। युवा की जब हम बात करते हैं और जब हम देश की बात करते हैं, तो मुझे एक बात आपसे शेयर करनी है कि भारत चीन के बाद सबसे पॉपुलस देश है। और केवल पॉपुलस देश नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि सबसे युवा देश है। अगर यूएन की परिभाषा हम माने कि 10 साल से लेकर और 25 साल के व्यक्ति जो है वो युवा होते हैं, अगर हम इस परिभाषा को ले तो भी हम देखेंगे कि भारत की जो मीडियन एज है वो केवल 28 साल है, जबकि चाइना की 37 है, यूएस की 45 है, जापान की 49 है। यानी ये देश बूढ़े होते हुए देश है, लेकिन भारत का जो देश, भारत देश जो है, उसकी जो युवा पॉपुलेशन है जो 10 से 25 के बीच की है, वो इतनी ज्यादा है कि यह युवा शक्ति हमारे भारत का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डिविडेंड का मतलब है एक लाभांश है। यानी अगर यह शक्ति, यह संख्या जनसंख्या का सही रूप से विकसित हो जाता है, सही रूप से अपनी शक्ति को पहचान लेता है, सही रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल और उपयोग करता है, तो भारत देश को दोबारा विश्व गुरु बनने से कोई नहीं टाल सकता। वो विश्व गुरु तभी बनेगा जब आज की युवा शक्ति अपनी शक्ति को क्षीण न होने दे, अपने अंदर निहित शक्तियों को उजागर करे, उनका सदुपयोग करे, सकारात्मक और संचारात्मक कार्यक्रमों में उन्हें लगाए और सही दिशा में बढ़ते हुए समाज का उत्थान करे और अपने राष्ट्र का निर्माण करे। इतना कहना कि युवा शक्ति के अंदर बहुत अथाह
अपरिमित संभावनाएं जुड़ी हुई है, छिपी हुई है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन ये भी मैं मानती हूं कि युवा शक्ति देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए जब हम बात करते हैं तो हम युवा शक्ति को दो पहलुओं से देखते हैं। पहला, युवाओं की समस्याएं क्या है, युवा एज ए टारगेट ग्रुप, हम युवा की तरफ क्यों ध्यान दें, उस पर ध्यान केंद्रित करना क्यों जरूरी है, उसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे वो जूझ रहे हैं। मुझे समस्याएं गिनाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप उनका सामना स्वयं कर रहे हैं, चाहे ड्रग एडिक्शन हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे बढ़ता क्राइम रेट हो, अनेकों अनेक समस्याएं युवाओं के सामने सुरसरा की तरह मुंह फाड़ कर खड़ी हैं। और युवा ये देख रहा है कि सरकार कितनी नौकरी निकालती है। आज आपकी संभावनाएं और बढ़ी हुई इसलिए लगती हैं क्योंकि हमारी युवा शक्ति की संख्या विश्व भर में सबसे ज्यादा है। इसलिए अगर 5,000 नौकरी भी निकाली जाती है तो वो बहुत छोटी सी एक ग्रास है जो किसी को तृप्त करती हुई नजर नहीं आती। मैं इस बात की चर्चा यहां करना चाहूंगी कि हर सरकार ने युवाओं को लेकर अलग अलग नीतियां बनाई। विवेकानंद जी ने युवाओं की शक्ति का दोहन करने के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया, शारीरिक क्षमताओं पर विशेष बल दिया। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, और अगर डिग्री प्राप्त करके केवल सरकारी नौकरी ढूंढना भी नहीं है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार नीतियों में बदलाव हुआ, और नीतियां चाहे कितनी ही बदली हो लेकिन ये बात समय समय पर महसूस की गई कि शिक्षा के अंदर स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि जवाहरलाल नेहरू युवा महोत्सव पर अपना भाषण दे रहे थे और उन्होंने ये कहा कि मैं कभी परिकल्पना कर सकता हूं ऐसे भारत की जिसमें कोई राजनेता न हो, लेकिन ऐसे भारत की परिकल्पना करना जिसमें कोई डॉक्टर ना हो, कोई इंजीनियर ना हो, कोई शिक्षक ना हो, ये असंभव है। यानी हमारे नीति निर्माता चाहे हो या ना हो, लेकिन राष्ट्र बिना इन सभी वर्गों के नहीं चलेगा। इसलिए शिक्षा पर विशेष रूप से समय समय पर स्किल डेवलपमेंट के लिए कहा गया। बीए आप करते हैं, बीए करने के साथ आपको अपनी डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स भी करनी है। शिक्षण किस लिए, शिक्षा किस लिए? शिक्षा का महत्व या शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है होता। शिक्षा का महत्व है आपका मानसिक और बौद्धिक विकास। लेकिन बड़ी गलती हम करते हैं, एक मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं कि अगर हमने शिक्षा ग्रहण कर ली, अगर हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं तो हम अब नौकरी के काबिल हो गए हैं। ऐसा नहीं है। आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप बीए कीजिए, लेकिन आप में कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। मुझे याद है आपसे मैं अपनी निजी जीवन की एक बात शेयर करती हूँ। मैंने अपनी जीवन में ये देखा कि जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो प्लम्बर हो, अगर उसके पास स्किल है तो वो व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं रहता। जब मैंने घर बनाया तो मुझे एक प्लम्बर की जरूरत थी, एक इलेक्ट्रिशियन की जरूरत थी, तो मैं पूरे शहर में घूमकर ये देखा कि सबसे बढ़िया प्लम्बर कौन है, सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिशियन कौन है। यानी इलेक्ट्रिशियन उसी को हम लोग चाहेंगे
जो सबसे अच्छी स्किल रखता हो। तो केवल स्किल का ना हो, I feel there is some technical problem. So let's hope we are able to connect our guest speaker again within the next few minutes. जैसे आपको पता है कि ये जो पूरा वीक इस कॉलेज ने हमारे कॉलेज ने सेलिब्रेट किया यूथ वीक नेशनल यूथ वीक नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को पूरे इंडिया में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 12 जनवरी को और स्वामी विवेकानंद जी पूरे यूथ के आइकॉन थे आइकॉन का मतलब होता है ए फेमस पर्सन और थिंक दैट पीपल एडमायर एंड सी एज ए सिंबल ऑफ ए पर्टिकुलर आइडिया वे ऑफ लाइफ एक्सेट्रा और स्वामी विवेकानंद जी की जो लाइफ अगर आप हिस्ट्री अगर आप पढ़ें और वो एक बहुत बड़े थिंकर एक बहुत बड़े फिलोसोफर और एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर टू हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया और उनकी लाइफ एक खुली किताब थी और इतना मोटिवेट किया उन्होंने अपने टाइम में और वो यूथ के यूथ को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे और उनकी एक फेमस कोट मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता पूरे ऐसा वंडरफुल कोट ऐसा एक ऐसा विचार किसी और थिंकर या फिलोसोफर ने दिया और टिल डेट कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अनटिल योर गोल इज अचीव्ड उठो जागो और रुको मत जब तक आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता और मतलब कि इतना मोटिवेशन इतना इंस्पिरेशन मेरे ख्याल से जितना स्वामी विवेकानंद जी की जो लाइफ हिस्ट्री है उनके जो फेमस कोर्स है उनको पढ़ने से मिलता है और एक यू फील सेल्फ मोटिवेटेड उन्होंने माइंड की बात की पार योर माइंड की बात की और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे एज योर थॉट्स सो योर माइंड सो गुड थॉट्स पार योर माइंड क्योंकि वी डोंट हैव टू बिकम स्लेव्स ऑफ माइंड बट वी नीड टू पार आवर माइंड्स और ये भी पता है कि हेल्दी जो बॉडी होती है हेल्दी बॉडी लिव्स उसके बिना बिना हेल्थ के यू कांट हैव योर बैलेंस्ड माइंड ऑल्सो तो यू नीड हेल्थ ऑल्सो सो दैट यू कैन डू समथिंग फॉर योर कंट्री एंड यू कैन फुलफिल और इसके अलावा अगर मैं कुछ स्वामी विवेकानंद जी के थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा स्वामी जी कहते थे कि बी फियरलेस और वो कहते थे वाई डू यू फियर Be bold and brave. Work like a master. Don't be a slave. और उनका एक famous quote means I would like to share with you. स्वामी जी ने कहा कि be fearless. Be not afraid of anything. You will do marvelous work. The moment you fear, you are nobody. और वैसे भी हम देखें कि 95% जो fear होते हैं ना वो unfounded होते हैं unfounded. और सिर्फ 5% रियल होते हैं और स्वामी जी कहते थे कि वी शुड हैव ए विजन विजन का मतलब होता है द एबिलिटी टू थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विद ग्रेट इमेजिनेशन एंड इंटेलिजेंस और खासतौर पे हमारा जो आज का युवा है वो मिसडायरेक्टेड आप कह सकते हैं एंड दे सीम टू हैव लॉस्ट मच पर्पस दे डोंट seem to have any purpose और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे have a vision in life और and apart from having a vision you should have the real goal also the real goal और स्वामी जी कहते थे कि first set your goal realize yourself
और उन्होंने कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत एम्फेसिस दिया था, कैरेक्टर के ऊपर, और चरित्र निर्माण की बात, तो उसके बिना तो यू कैनॉट मीन्स प्रोग्रेस इन लाइफ, और नो नेशन कैन प्रोग्रेस एंड इफ इट्स सिटीजन्स दे आर नॉट मैन ऑफ कैरेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल। तो स्वामी जी कहते थे कि कैरेक्टर इज एवरीथिंग, और वो कहते थे मनी कैन गिव यू ब्रेड बट नॉट हंगर, मनी कैन गिव यू बेड बट नॉट स्लीप, मनी कैन गिव यू मेडिसन बट नॉट कंफर्ट बट नॉट पीस, मनी कैन गिव यू पावर बट नॉट रिस्पेक्ट, मनी कैन गिव यू डिग्री बट इट कैन नॉट गिव यू नॉलेज, and money can give you security but it cannot give you freedom. It is character and character alone that can give you everything. So jo unka emphasis tha character building par wo means kafi tha, aur isliye wo khas taur pe youth ko mobilize karte the, youth ko inspire karti thi unki baatein, aur wo kamal ke philosopher the, और उनकी अगर आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो यू विल फील कि हाउ ग्रेट सोल ही वॉज, नोबल सोल ही वॉज, एंड ही लेड अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन आर्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो। और जब हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो उसमें वी नीड टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, वी नीड टू टेक केयर ऑफ हाउ वी स्पीक फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो स्पीच है, इसलिए वो कहा करते थे कि कंट्रोल यूर टंग, control your temper, control your temptation, practice meditation. और उन्होंने meditation पर भी बहुत जोर दिया था, और वो स्वामी जी कहा करते थे and youth के लिए खास तौर पे कि if they meditate and they will be able to develop concentration and they will be able to perform their duty with dedication, devotion. And he also स्वामी जी also laid emphasis on dexterity. Dexterity का मतलब होता है skill in using your hands or your mind. So इतना youth को inspire किया उन्होंने, आप सोच नहीं सकते हैं, और इतनी motivation, और इसलिए हमारी government ने इसलिए उनकी जो birth anniversary पर ये decide किया कि वो National Youth Day हर 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इसीलिए इस बार का जो थीम है वो है युवा उत्साह नए भारत के, और लास्ट ईयर का जो थीम था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो यूथ है उनकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज किया जाए। और एक और चीज आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू, स्वामी जी कहा करते थे स्टूडेंट्स को लेकर कि आज का जो स्टूडेंट है वो एक अग्नि में नजर आता है, और शायद इसकी वजह वो खुद भी होते हैं, और वो कहते थे कि नाउ आई नो इट वॉज यस। सो आई थिंक मच कैन बी सेड अबाउट स्वामी जी, बट द रियल थिंग इज यू नीड टू बी मोटिवेटेड एंड यू नीड टू लर्न ए लॉट फ्रॉम स्वामी विवेकानंद जी लाइफ। नाउ इट्स नाउ ओवर टू मैम अगेन इफ शी इज ऑनलाइन, बिकॉज कुछ टेक्निकल ग्लिच वॉज देयर अर्लियर, और अगर वो दोबारा से कनेक्ट हो गए हैं तो लेट मी नो, नहीं तो आई वुड लाइक नाउ मिस किंजा टू a proposed vote of thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Due to some technical glitch, ma'am is not able to connect again. But on the behalf of MMPG College Fatehabad, I, Kinza Chaudhary, Assistant Professor, Department of Commerce, would like to sincerely thank our esteemed speaker, Dr. Deepti Dharmani ma'am, for sparing her very precious time and her thoughts with us. मैम ने बात की है इनर स्ट्रेंथ की, मैम ने बात की है गाइडेंस की, मैम ने बात की है इमोशनली अटैच होने की,
कंट्री के साथ. तो मेरा यही मानना है और आई थिंक दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि अगर हमारे यूथ को प्रॉपर गाइडेंस मिले और कम्युनिकेशन गैप जो एल्डर्स के साथ रहता है वो कम हो जाए तो जो उनकी एनर्जीज हैं उनको प्रॉपरली चैनलाइज किया जाएगा टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग. जैसा मैम ने बताया कि हमारा जो जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री है वो 30% उसमें यूथ कंट्रीब्यूट करता है, मतलब यूथ नेशन है इंडिया. तो स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है हमें. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैम का थैंक्स करना चाहूंगी और महेश मेहता सर का थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारी हमें बातें बताई और बताया कि कैसे वो यूथ के एक आइकॉन थे और यूथ को इंस्पायर करते थे. अगर हमें दोबारा मौका मिला कि हम मैम से कुछ और बातें जान पाए, कुछ और उनके थॉट्स हमें सुनने को मिले तो ज्यादा अच्छा होगा. आज थोड़ी टेक्निकल ग्लिच के कारण मैम शायद डिस्कनेक्ट हो गए, तो फिर भी मैम ने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया उसके लिए मैम आपका बहुत थैंक्स. हम आपकी गाइडेंस फ्यूचर में भी आपसे जो है हमें इंस्पिरेशन मिलता रहे, बस यही कामना करते हैं. इसी के साथ हम ये सेशन ओवर करते हैं. थैंक यू सो मच.